चाइनीज सामान के बहिष्कार के लिए अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल ने अलग तरीके से शुरुआत करते हुए खुद मिट्टी के दिए बेच लोगों को स्वदेशी अपनाने और चाइनीज सामान को ना खरीदने की अपील की। इस मौके विधायक ने कहा कि अम्बाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, ये अलग भी उसी तरीके से काम करेगी और पूरा देश चाइनीज सामान को खरीदना बंद करेगा। विधायक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये मुहिम सिर्फ नहीं रुकेगी, ये इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएंगे। विधायक ने लोगों से अपील की कि अपनी देश की मिट्टी से बने सामान को ही इस त्यौहार पर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे देश के शहीदों का खून मिला है और चीन उसका अपमान करने में जुटा है और यही पैसा पाकिस्तान को दे चीन भारत को नुकसान पहुँचा रहा है। ये दीप माला यानी दीपों की माला, इस दीप को ज्यादा से ज्यादा खरीदें और चाइना की जो सामग्री है, चाइना का पटाखा है, चाइना की लाइट है, उसका बहिष्कार करें। इसके लिए आज हमारी पूरी टीम ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ कुम्हार मोहल्ला अम्बाला शहर में आयोजित किया और बहुत अच्छे स्तर पे इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों को आज हमारी पूरी टीम प्रेरित कर रही है कि इस दिवाली के ऊपर चाइना का पटाखा और चाइना की लाइट, इसका हम बहिष्कार करें, मिट्टी के दियों को खरीदें। बिल्कुल, ये मुहिम कोई एक त्यौहार के लिए नहीं है, लेकिन दिवाली हमारे भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिंबॉलिक हमने अपने विचार को दिवाली के ऊपर प्रकट किया ताकि चाइना के जो बिक्री है उसको दिवाली के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पहुंच सके और ये लगातार चलने वाली मुहिम है, इसको हम रुकने नहीं देंगे। बहुत फायदा हो गया इसका भी, हमें बहुत फायदा हुआ है। हाँ, लोगों से भी अपील करेंगे जी यही मिट्टी का सामान चलाए, मिट्टी का दीप। पहले बहुत मिट्टी थी जी, मिट्टी नहीं मिलती थी, अब मिट्टी मिल रही है, हमें सब चीज़ मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। इस मुहिम को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हमारे माननीय विधायक असीम गोयल जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है, हम सब लोग जो है उसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि चाइना का सामान जो है कोई भी हमारा भारतवासी इस्तेमाल ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदुस्तान में बने अपने लड़ियाँ और सामान जो है दिए वगैरह हम हिंदुस्तान के बने हुए खरीदें, ताकि इससे चाइना को एक संदेश जाए कि वो जो मुहिम उसने भारतवर्ष के खिलाफ चला रखी है उसमें उसको झटका लगे और इससे भारत का मान बढ़े। और हम भारतवासी हमेशा यही चाहेंगे कि हमें अपने भारत के अंदर बना हुआ ही सामान खरीदें और हर प्रकार से हम जो है इसके हकदार हैं। मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूँ, मैं इस मुहिम को बहुत अच्छा मानता हूँ, देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना हमारे पैसे से हमें ही नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। इसका बॉयकॉट होना चाहिए सारा, चाहे वो जनता के लेवल पर है चाहे सरकार के, पूरी तरह से बॉयकॉट होना चाहिए चाइना। अम्बाला से जाट टीवी न्यूज़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।